कामयाबी सुबह के जैसे ही होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। आज हम पंडित जी से समझेंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि बहुत कोशिश करते हैं, भाग्य साथ नहीं देता, बहुत प्रयास करते हैं, काम नहीं बनता, सब कुछ ठीक है फिर भी जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां लोगों के सामने आती हैं और लोग इस तरह के सवाल लेकर के भी आते हैं, तो उनके कारण क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं, उसके लिए आप क्या सरल उपाय करें, ये भी पंडित जी से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संगति दोष की। पंडित जी, ये संगति दोष कैसे आता है? लोगों की संगत बिगड़ जाती है, उसकी वजह से उनकी आदतें खराब हो जाती हैं और फिर घर में माहौल खराब होता है, कलह बन जाती है, करियर खराब होता है, तो ये कैसे संगति दोष आता है? जी देखिए, अगर हम संगति की बात करें, संगति बहुत महत्वपूर्ण चीज है और प्राचीन काल से ही ऐसा कहते हैं, संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए। यानी आपकी संगति जैसी होगी, आपके अंदर उसी तरह की क्वालिटी आएगी, उसी तरह के गुण आएंगे और उसी तरह के अवगुण भी पैदा होंगे। देखिए, अगर हम संगति के बारे में बात करें तो आपका भाग्य केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर, आपके जीवन में जो लोग रहते हैं उन लोगों का भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। आपके जीवन में जो आपके मित्र हैं, जो आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, जो आपके सहयोगी हैं, ये आपके भाग्य पर काफी असर डालते हैं। आपके अपने भाग्य पर आपके पति या पत्नी सबसे ज्यादा असर डालते हैं। पति या पत्नी एक दूसरे के भाग्य को आधे से ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई शादी के बाद इनकी किस्मत बदल गई, आगे बढ़ गए। उसका कारण है कि आपके पति या पत्नी आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, जहां तक संगति से भाग्य का संबंध है, आपको अपनी संगति पर हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किन लोगों के साथ आप रहते हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, इसका बहुत ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका भाग्य बिल्कुल उल्टा हो सकता है, बिल्कुल उलट सकता है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका भाग्य, उनकी आदतें बहुत खराब हैं और इसी वजह से, इस गलत संगति की वजह से आपका भाग्य बिगड़ रहा है। अगर गलत संगति की वजह से आपका भाग्य खराब हो रहा हो तो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम रोज सुबह सुनिए। विष्णु सहस्त्र नाम आपके अंदर इतनी पॉजिटिव तरंगे पैदा करेगा कि आपकी संगति बेहतर होगी और जब आपकी संगति बेहतर होगी तो आपका भाग्य भी बेहतर होगा। साथ ही साथ अपना आहार और अपना विचार ये हमेशा सात्विक बनाए रखें। तो देखिए, आपकी जो संगति है ये भी आपके भाग्य को बिगाड़ सकती है, आपके भाग्य को खराब कर सकती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद
भाग्य में अड़चन आ रही है तो अपनी संगति को सुधारने का, संगति को देखने का प्रयत्न जरूर करिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।